झज्जर से हमारे चेयरमैनी के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के भाई हरीश जी के समर्थन में हम सारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे इस जोन के अध्यक्ष भाई अश्विनी देसवाल जी, भाई पवन हिंदुस्तानी जी, यहाँ महिला की हमारे हरियाणा की सह प्रभारी प्रिया चौधरी जी, हमारे भाई और यहाँ चुनाव के प्रभारी अजय अहलावत जी, हमारे बहुत ही जुझारू और वरिष्ठ यहाँ पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नंगल साहब, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र राजयान जी, हमारे आदरणीय उदयभान पुनिया जी, मास्टर रणबीर गुलिया जी, भाई श्याम सिलाना जी, विजेंद्र हुड्डा जी, भाई संदीप वाल्मीकि जी, तमाम हमारे सभी पत्रकार साथियों, पीछे बैठे सभी आम आदमी पार्टी के हमारे लीडर साहिबान, हमारे सभी साथी, आज वैसे तो हम हमारे साथी जो एक बहुत ही साधारण परिवार के हैं और जिन्होंने पिछले लंबे समय से आम आदमी पार्टी की झज्जर के अंदर सेवा करी, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बना करके यहाँ पर इस चुनाव में उतारा है। और मुझे पूरा यकीन है जिन मुद्दों को लेकर के वो आपके बीच में उतरे हैं, जिन मुद्दों के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, जिस संकल्प के साथ अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बातें सारी ये जनता के बीच में लेकर के गए हैं। और जो समय शेष है अगले एक हफ्ते के अंदर और मजबूती से पार्टी प्रचार प्रसार करेगी, क्योंकि परसों ही नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उसके बाद एक दो दिन निकले हैं। तो जहां हम हमारे साथी को शुभकामनाएं देते हैं और भी दूसरे जो पार्षद के उम्मीदवार हमारे चुनाव लड़ रहे हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, वहीं मैं झज्जर की जनता से, क्योंकि ये मेरा गृह जिला भी है और सारे साथी भी यहाँ पर हैं, उन सब की तरफ से ये निवेदन करता हूँ छत्तीसगढ़ बिरादरी से कि आज देश के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। एक तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ये अपने चरम पर है, शहरों की बदहाली है, गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जो ग्रामीण हमारे भाई बहन है, बंधु है, परिवार के सदस्य है, वो आज भी कैसा जीवन जीते हैं आप सब देख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी और जो दूसरे दल हैं वो किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये आपने पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं। आज राज्यसभा के लिए कई प्रदेशों के अंदर कुछ तो अनपोज चले गए थे, लेकिन जहाँ चुनाव हुआ, जिसमें हरियाणा में भी हुआ, वहाँ लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास, संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का प्रयास, जनता के विश्वास और मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास, ये आज भी जारी है। अभी भी देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ चुनाव आज हुए राज्यसभा के, वहाँ पर के परिणाम घोषित हो गए, लेकिन हरियाणा में देखें तो 6 साल पहले जो हुआ था कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी। और मैं तो पहले ही काले कपड़े पहन के आया था, मेरे को पता था चोर चोरी से जा सकते, हेरा फेरी से नहीं जा सकते, तो वही काम कर दिया। अब सब लोग जो है, दोनों पार्टियां वहां पर इलेक्शन कमीशन में गई हुई है, कोई कह रहा है कि जी वोट दिखाए थे, कोई कुछ कह रहा है। अरे भाई, ये वोट दिखाना तो बहुत छोटी बात है, जहां 12 लोगों के वोट ही बदल दे, पेन बदल दे, जिन लोगों ने पेन बदला था वो फिर गाड़ी में चढ़ गए थे, तो ये तो कोई अंतरात्मा की आवाज कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये तो सारा साफ दिखाई देता है कि धन बल के आगे और जिन लोगों ने गलत काम किए हुए हैं वो सरकार के दबाव में गलत फैसले करने में लगे हुए हैं। क्या परिणाम होगा, कैसे होगा, वो तो मेरे तो दोनों रिश्तेदार हैं, मैं तो दोनों को ही शुभकामनाएं देता हूं।
लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी की आवश्यकता है और उसकी शुरुआत इसी चुनाव से होनी चाहिए और उसी के लिए हम भाई हरी जी के समर्थन में सारे साथी यहां पर पहुंचे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 19 तारीख को भाई हरीश जी को झज्जर की जनता अपना आशीर्वाद देगी। जो विश्वास नेता मांगते हैं वो विश्वास अब जनता का टूट चुका उनसे, क्योंकि कहने के लिए कुछ है। जिस तरीके से बाड़ेबंदी हो रही है, नेता जाकर के जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते कहते थे कि जी हमें हमारे ऊपर विश्वास करो। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पार्टी तो विश्वास कर नहीं रही, तो ये लोग क्यों विश्वास करें? ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दलों के जो प्रत्याशी हैं। और एक तरफ साधारण परिवार का हमारा नौजवान साथी ये भाई उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है, केजरीवाल जी के आशीर्वाद से ये आने वाले समय में सफल हो, इस इलाके में जो वायदे करेंगे वो वायदे पूरे करेंगे। भ्रष्टाचार, आज कोई नगर पालिका नगर परिषद ऐसी नहीं है, कोई कॉरपोरेशन ऐसा नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। कुछ करोड़ से लेकर के सैकड़ों करोड़ तक भ्रष्टाचार के मामले हैं। शहरों में गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। आवारा पशु जो है, गौ माता के नाम पे ये वोट लेने वाले आज गौ माता का भी संरक्षण नहीं कर सकते, बुनियादी सुविधाएं ये नहीं पहुंचा सकते। ये कहते थे हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, ये आत्मनिर्भर के नाम पे मैं समझता हूँ कि लोगों के भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग हैं। इसलिए सभी साथियों से मैं आह्वान करूंगा जो यहाँ पर हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, भाई अजय जी और तमाम साथी हमारे जोन के प्रभारी जी, अध्यक्ष जी और दूसरे जितने भी सहयोगी हैं जिला अध्यक्ष साहब से, कि पूरी ताकत लगा करके जो बदलाव की आंधी एक चली है पूरे देश के अंदर, खासतौर से दिल्ली और पंजाब से, उसको और मजबूत करें। और जहाँ भी हमारे जैसे साथियों की जरूरत होगी, वो समय समय पर जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी आते रहेंगे। आस पड़ोस से जो हमारे साथी हैं, जिनकी रिश्तेदारी है, जिनका प्रभाव है, वो लोग भी आएंगे। अभी जैसे हमारे मनोचा साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी महम करके आए हैं, यहाँ भी उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, ऐसे ही और भी साथी हैं। और आज बहुत से साथी आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, और कुछ पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की सोच से प्रभावित होकर के पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इन तमाम साथियों का, इनके सहयोगियों का आज आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सब की ताकत आने वाले समय में किसान मजदूर गरीब की ताकत बनेगी, इस देश में बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। हरियाणा को चोर लुटेरों से, जिन्होंने लूट लूट के नोच नोच के खा लिया है, उनसे बचाने का काम करेगी। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं, ये तो सारे ही लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि धनबल चला है, धन के आगे जो है बहुत से लोगों ने नतमस्तक कर दिया है। अब ये कौन सी क्लास, आज भी 7 दिन की इनकी क्लास हुई, 8-10 दिन ये अभी छत्तीसगढ़ रह गया है। साधारण से साधारण वोटर इस देश का इतना जागरूक हो गया कि उसको पता है कि कहाँ वोट डालना है, वो मशीन चलाना जानता है, ये बैलेट के सामने निशान जगाना नहीं जानते। 7-8-10 दिन पता नहीं क्या तो ये करके आए कुक्रम। आप कह रहे हैं राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है, जी कौन सी पार्टी की, आपने नहीं किया, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने? देखिए, ये तो दोनों ही इलेक्शन कमीशन में पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं जी इन्होंने वोट दिखाए। किसने दिखाए तो क्यों दिखाए, उनको तो सबको पता है, सारे वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई नए हो। तो ये जानबूझ करके करते हैं, कहीं ना कहीं धन बल का दूसरा जो इनके ऊपर दबाव रहता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके सामने सब सरेंडर है। इसीलिए मैंने पहले कहा, मैं तो घर से सुबह से काले कपड़े पहन के निकला हूँ, मेरे को पता था लोकतंत्र की हत्या करेंगे। आज फिर इस हरियाणा के लोकतंत्र के इतिहास में ये काला दिवस के रूप में, फिर भी नहीं रहा था कि पेन बदला है, फिर किसी ने कहा अरे ये तो दूसरे पेन से है, और फिर उसके बाद मोबाइल की टॉर्च की यूं लाइट चली, यूं करके वही मिले हुए हैं, वही लोग आज फिर अधिकारी हैं, उन्हीं की भूमिका फिर संदिग्ध है, वही लोग जिन्होंने पहले पेन बदला था,
वो अपने जब खुद के इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी से जाकर के बेटे के लिए अनोपोज इलेक्शन करवा देते हैं, जो इलेक्शन दोनों अलग अलग होने थे वो एक साथ करवा देते हैं, डेट बदल दी जाती है। ये झज्जर के लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से कि दोनों जो चुनाव थे, पिछला जो इलेक्शन था राज्यसभा का जिसमें यहाँ के पहले के सांसद जीत करके गए थे, वो जाकर के स्पेशल मोदी से बात करके एक ही डेट सेट करवाई। अगर एक डेट होगी तो कांग्रेस के पास 31 थे दूसरे के, वो तो अनोपोज इलेक्शन हो गया। अब पहली बार फिर दोबारा जब हुआ तो तीसरा कैंडिडेट आ गया। तो बदनीयती और बेईमाना ये हावी है इस कांग्रेस के ऊपर भी और राजनीति के ऊपर भी, और मैं समझता हूँ कि उसी से आम आदमी को निकल करके आम आदमी पार्टी में आना पड़ेगा, आना चाहिए, यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। बलराज चौधरी ने वोट नहीं किया, उनका कि मैं अंतरात्मा जो ना मांग मिली कि मैं ऐसे वोट, चलो किसी की तो अंतरात्मा ये कह रही है कि भाई मैंने, मुझे वोट नहीं देना चाहिए। अब किसको, अब पता नहीं, आप कह रहे हो उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन कई अंतरात्मा की आवाज सुन के कुछ और कर रहे हैं। यहाँ तो अंतरात्मा की परिभाषा भी जो है बहुत बदल गई है। किसी की अंतरात्मा बीजेपी को देने के लिए कह रही है, किसी की अंतरात्मा बीजेपी को नहीं देने के लिए कह रही है। देखिए माहौल बहुत बढ़िया है, और 29 तारीख की रैली जो कुरुक्षेत्र की रैली थी अब बदलेगा हरियाणा, उसने ये साबित कर दिया कि अब हरियाणा में भी केजरीवाल है, देश में भी केजरीवाल है। केजरीवाल जी का अच्छी शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य की सेवाओं का मॉडल, रोजगार का मॉडल, सबको साथ लेकर के देश की प्रदेश की तरक्की का जो एक उनका दृष्टिकोण है, विजन है, संकल्प है, वो अब लोग एक्सेप्ट करने लगे। और जब से चुनाव घोषणा हुई है, जितनी मैं समझता हूँ कि उम्मीदवार आम आदमी पार्टी में थे उतने किसी पार्टी में नहीं, और मैनिफेस्टो लोकल हमारे साथियों ने यहाँ के हिसाब से अपना एक ये पंपलेट तैयार किया है जो आपकी गारंटी के नाम से है कि आप ये आम आदमी पार्टी के अगर हमारे साथी को मौका देंगे तो ये चीज़ें हम करके दिखाएंगे। तो लोकल सभी साथी अलग अलग जगह अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार करने में लगे हुए हैं, और बाकी तो मैं समझता हूँ कि मेन तो सरकारों से संभव है, ये तो एक छोटी सरकार है। बड़े बदलाव के लिए हमें इस हरियाणा के लोगों को तैयार करना है, देश के लोगों को तैयार करना है, और उसी के ऊपर मेहनत हो रही है। देखिए 2024 का तो फ्यूचर नहीं, लेकिन आम आदमी की मजबूत जो पकड़ है वो गांव और गली गली में, शहर में, हर मोहल्ले में इस चुनाव के बाद और पंचायत चुनाव के बाद वो निश्चित तौर पर हो जाएगी। अब गली गली में, हर जगह, गांव में, हुक्के पे आम आदमी की चर्चा, और किसी की चर्चा नहीं है। बाकी को तो लोग जो है उठा के फेंकना चाह रहे हैं। अगर चुनाव कल घोषणा करवा दो तो देख लो आप, ये जो तूफान आया है पंजाब से, ये सबको साफ कर देगा, बड़े बड़े लोगों को। छोटी सरकार को बड़ी दावेदारी आपने जताई है, तो कितना मानते हैं आसाम में, कितना जीत के प्रति कितनी सीटें आप मुनाफ ले जाएंगे? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो है चेयरमैन ही वो आम आदमी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस तो मैदान में ही नहीं है, कांग्रेस तो ढूंढ ढूंढ के कि हमारा समर्थित धक्के से जो है टिक्का करते घूम रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन कह रहे हैं जी हमारे टिक्का कर दो, ऐसा मामला हो गया। केजरीवाल जी भी देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं कौन से पहले गया? देखिए ये स्थानीय चुनाव है, केजरीवाल जी ने तो जो कुरुक्षेत्र की रैली थी उसमें अपनी बात रख दी कि वो क्या चाहते हैं, कैसे हरियाणा को बदलना चाहते हैं, कैसे जब हरियाणा के लोग उनको हरियाणा के लाल और भारत माता के लाल के नाम से जब संबोधित करते हैं तो एक गर्व और जो इस हरियाणा के लिए करना चाहते हैं उसका बोध भी होता है, और उसी सोच के साथ और ज़्यादा आक्रामक होकर के पूरी आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में उतरी हुई है, और नतीजे आम आदमी के पक्ष में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बाकी तो मैदान में और है ही नहीं, ये दोनों भी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि साफ करेगी। देखो झज्जर आज भी एक बड़े गांव की तरह है, ज्यादा बहुत कुछ नहीं हुआ है, यहाँ
आगे यूनिवर्सिटी का स्कोप है, मेडिकल कॉलेज है और तमाम चीज़ें यहाँ इस शहर का बुनियादी ढांचा बड़ा हो। जो लोग गांव से शहर में आकर के बसना चाहते हैं, अर्बन प्लानिंग अच्छी हो और हर तरह तरह की जो संभावनाएं हैं, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधे हों। IMD जब दूसरी जगह बन सकती है तो झज्जर में क्यों नहीं बन सकती भाई IMD। तो हमारी कोशिश होगी कि जो जमीन और रिलायंस को और सबको दी थी, अडानी और अंबानी को दी थी, उसमें कुछ उद्योग धंधे भी लगे। वो जमीन जो है ऐसे ही पड़ी हुई है, वो ऐसे ही कोड़ियों के दाम बेच दी, किसानों से छीन छीन के दे दी, तो कम से कम किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को उसका लाभ जरूर पहुँचे, ये आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी। अब जरूरत पड़ेगी तो वापस छीन भी लेंगे।